कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जन सुनवाई पोर्टल पे ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद उसका स्टेटस किस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जन सुनवाई पे आपको अप्लाई किस तरीके से करना है और वहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगाना है या फिर कौन सी चीज आपको लगाना है जिससे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छे तरीके से आप एप्लीकेशन लिखे होंगे वो एप्लीकेशन ही ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितने जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि जन सुनवाई पोर्टल पे ऑनलाइन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जन सुनवाई यहाँ पे सर्च करना होगा। जो पहला लिंक खुलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, यहाँ पे इसको जो यहाँ पे जो इसका एडवर्टाइज है इसको बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति, अनुस्मारक भेजें, आपकी प्रतिक्रिया। तो इन सभी ऑप्शंस में आपको अगर शिकायत की स्थिति देखनी है तो आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा। हमें शिकायत पंजीकरण करना है तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। जब हम यहाँ पे सबमिट कर लेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। उसमें आपने मोबाइल नंबर डाल लेना है। जिस भी व्यक्ति का आप अप्लाई करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा अंकित करें। यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को आपने यहाँ से फिल करके ओटीपी भेजे पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए, यहाँ पे हमने जो भी ओटीपी भेजा है वो ओटीपी यहाँ पे हम इसको सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी ओटीपी है उसको फिल करके यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने इसको सबमिट कर लिया है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा, लिंग पूछेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे संदर्भ का विवरण आपको डालना होगा, जिसमें संदर्भ का प्रकार, शिकायत, मांग, सलाह, अन्य। तो यहाँ पे मैं नाम को फिल कर लेता हूँ, पिता के नाम को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी लिंग है उस लिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं, इसमें आप नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर को फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी शिकायत है उस शिकायत की जो कैटेगरी है, जो विभाग है, उस विभाग को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये इन सभी विभाग पे मैं एक एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं पंचायती राज विभाग के लिए एक एप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी ये पंचायती राज विभाग के लिए जो भी आपकी सब कैटेगरी होगी, जैसे कि संदर्भ की श्रेणी जो है उस श्रेणी को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अन्य संदर्भ श्रेणी पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण जो है उसको आपको विस्तृत विवरण जो है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आपने लिखा होगा तो उसमें जो भी विवरण आपने दिया होगा उस विवरण को आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जनपद सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, विकास खंड सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत जो है उस ग्राम पंचायत को आपने सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद राजस्व ग्राम जो आपका है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। थाना जो है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जब सब कुछ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उपरोक्त अनुसार जो है उसको आपने यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे संदर्भ संख्या, अगर आपके पीसी की कोई संदर्भ संख्या है तो उसको आप डालेंगे, अन्यथा नहीं भी डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन लिख के रखा हुआ है उसको यहाँ पे ये अपलोड करेंगे। ये जो है वो 500 KB के अंदर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे सुरक्षित करें, यहाँ संदर्भ सुरक्षित करें पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ देर तक ये बफरिंग करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने डाली हुई है वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो संदेश है, यहाँ पे एक संदेश आपको मिलेगा कि आपकी शिकायत पंजीकरण हो चुका है और आपकी शिकायत संख्या ये है। अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से संदर्भ प्रिंट करे पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आप इसको प्रिंट कर ग्राहक को दे सकते हैं, या आपका खुद का है तो आप इसको रख भी सकते हैं PDF में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है आप किस तरीके से जन सुनवाई पे अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जन सुनवाई पोर्टल पे आपको
सबमिट करना होता है एप्लीकेशन। अब यहाँ से जब आप एप्लीकेशन को देख लेते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर से यहाँ से शिकायत संख्या डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या आपकी जो शिकायत है वो कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, अब यहाँ पे जन सुनवाई द्वारा केवल 3 महीने तक ये रहता है, 3 महीने के अंदर आपका निस्तारण हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रक्रिया है वो अनमार्क है अभी तक, मतलब कि ये जो आपने अप्लाई किया है ये अभी तक अनमार्क है, लेकिन इस पर प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, यहाँ पे अधिकारी को प्रेषित जो है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, जो एप्लीकेशन आपने भरा है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप जन सुनवाई पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकते हैं और स्टेटस इस तरीके से देख सकते हैं।